नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज राहुल गांधी की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी ने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। एक साल पहले तक जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी पप्पू है, उसे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली तो पूरे देश की राजनीति उल्टी उल्टी घूम गई। कड़कड़ाती ठंड में हाफ टी शर्ट में यह नौजवान जब निकला तो लोगों ने कहा कि कुछ दूर चलेंगे फिर गाड़ी पर बैठ जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, एक पैच को कर लेंगे 20 किलोमीटर, फिर रुक जाएंगे, फिर यात्रा चलती रहेगी, फिर आगे वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ये शख्स इतनी भयंकर ठंड में हाफ टी शर्ट में पूरी हजारों किलोमीटर पैदल चल देगा। और जिस जिसने देश में यात्रा निकाली है उसने देश का इतिहास बदला है। और नाम भी बहुत अच्छा दिया, मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं नफरत के बाजार में। हकीकत है कि देश में पिछले कुछ सालों से जिस तरह नफरत का माहौल हो गया है, पूरे देश को जो हिंदू मुसलमान में बांटने की साजिश हुई है, दिमाग को तेजाब में भर दिया गया है, हर हर शख्स देखो वो धर्म के उन्माद में बह रहा है। तो राहुल गांधी की यात्रा वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो मोहब्बत की दुकान में कन्वर्ट हो गई। लोगों ने बड़े, किसी ने गले लगाया, किसी बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, कोई नौजवान साथ चल पड़ा। पूरी यात्रा में ये बात चलती रही कि राहुल गांधी में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। उत्तर प्रदेश सरकार में तो डिप्टी CM है, उन्होंने अनाउंस किया भाई इतनी ठंड में राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही, इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे। मुझे नहीं पता वो जांच रिपोर्ट कभी आई या नहीं आई, लेकिन यहाँ ये बात सही है कि उसकी गूंज बहुत हो गई। अब उसके बाद में राहुल गांधी जब चले तो एक कौतूहल ये भी था कि राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। कर्नाटक के नतीजे सामने आए तो ये बात साफ हुई कि वास्तव में राजनीति पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। लेकिन एक मजेदार बात हुई कि इस यात्रा के बाद एक गूगल पे सबसे ज्यादा राहुल गांधी के बारे में खोजे जाने वाला जो बात थी वो थी कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह राहुल को ठंड क्यों नहीं लगती उस तरह एक बड़ा मुद्दा बन गया राहुल गांधी शादी कब करेंगे। कांग्रेस में कोई ये बात बताने को तैयार नहीं, राहुल गांधी से कोई पूछने की हिम्मत नहीं, और हिम्मत मतलब कि राहुल गांधी तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन एक शख्स हैं दुनिया में, वो शख्स जिन्होंने राहुल गांधी के पिता के साथ लंबे समय तक काम किया, राजीव गांधी जिस पर बहुत भरोसा करते थे, जो अपनी अमेरिका की नागरिकता छोड़कर भारत केवल राजीव गांधी की वजह से आ गए, प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे और अभी भी गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं शख्स हैं। जब राजीव गांधी की डेथ हुई तो एक तरफ आंखों में आंसू भर के सोनिया गांधी थी और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ थे। गांधी परिवार से बहुत व्यक्तिगत लगाव रखते हैं। अमेरिका में जब राहुल गांधी गए तो पूरी यात्रा में उनके साये की तरह उनके साथ थे, पूरा अमेरिका की यात्रा प्लान की थी उन्होंने। सैम पित्रोदा साहब बहुत काबिल इंसान हैं, भारत में संचार क्रांति का उनको जनक बताया जाता है, और था भी जनक है, बताया नहीं था, जनक थे भी। मोबाइल हम या जिस इंजीनियरिंग जिस संस्था आप माध्यम से हम मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा सूत्रधार जो थे वो सैम पित्रोदा साहब थे। मैंने उनसे इंटरव्यू किया, वो अमेरिका में थे, मैंने उनसे मोदी की यात्रा में और फिर कांग्रेस के बारे में उनसे इंटरव्यू किया। दो पार्ट पे इसको लगाया, पहला पार्ट जिसका आप लिंक ऊपर देख रहे हैं ये उसका पहला पार्ट है, अगर आपने नहीं सुना तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको पहला पार्ट भी सुनाई पड़ जाएगा। और दूसरे पार्ट में राहुल गांधी की निजी जिंदगी के कुछ खुलासे थे। राहुल गांधी की शादी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया सैम पित्रोदा साहब ने, पूरे देश में पूरी दुनिया में पहली बार राहुल गांधी के कौन लड़की दोस्त थी और क्या कारण था उसका और क्यों शादी नहीं कर रहे हैं, वो इन सब बातों पे सैम पित्रोदा ने बात की। और गांधी परिवार के इस सबसे करीबी शख्स ने जब राहुल गांधी के बारे में बोला तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं सीधे उस इंटरव्यू का पार्ट टू आपको सुनवाता हूँ, अपनी राय से अवगत कराइएगा कि आपको कैसी लगी ये बात, प्यार बनाए रखिएगा, सुनिए ये इंटरव्यू सैम पित्रोदा साहब का। एक बयान था कि मंदिर की, शायद आपके बयान को जो भी बयान रहा हो, लेकिन उसका भाव ये था कि मंदिर की जरूरत नहीं है, अब मंदिर से ज्यादा और भी कामों की जरूरत है, ये यहाँ प्रस्तुत किया गया। टेम्पल्स विल नॉट क्रिएट जॉब्स, व्हाट आई मीन इज हमें ध्यान देना है नौकरियों पे।
हमें टेंपल्स बनाने हैं नौकरियां बढ़ाने के लिए। जो हम टेंपल्स बनाते हैं उससे जॉब क्रिएट नहीं होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक चैनल में जाके कहा था कि अगर लोग बेरोजगार की बात करते हैं, आप अगर आप पकौड़े भी तलते हैं, और तो पकौड़े तलना भी एक रोजगार होता है। क्या अमेरिका में भी, आप जहाँ रहते हैं, आप शिकागो में रहती हैं, अमेरिका में भी इस तरह के पकौड़े तलना रोजगार में आता है? इट इज अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन। ये आर्ग्यूमेंट की एटीट्यूड है, ये समझने की एटीट्यूड नहीं है। सीधा समझिए कि हमने कितने जॉब क्रिएट किए, हमें क्या करना है जॉब क्रिएट करने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आते हैं कि भारत में रोजगार की कमी नहीं, पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। तो अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसे ताकतवर देश में, क्योंकि भारत पर निगाह रहती है सबकी, इस तरह के बयानों का वहां क्या अर्थ निकाला जाता है? जो जानते हैं उन्हें सब पता है, झूठ बोलने से सत्य नहीं बदला जाता। सैमसन, मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है कि राहुल गांधी को आप पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में खड़ा करें, क्या कोई ये प्लान है आपका राहुल गांधी को विदेश में लाके भारत पे हमले कराने का, या ये रूटीन में हो रहा है? वी एंड राहुल गांधी पर्टिकुलरली बिलीव्स that democracy is larger global good. Indian democracy in particular is the key to global democracy. हमें इंडियन मीडिया पूरी स्पेस मीडिया में नहीं दे रही, वो उठ पटांग करके झूठ बोल के उल्टा सीधा करके प्रेजेंट करते हैं। जब हमने बालाकोट के बारे में कुछ कहा तो बोले देशद्रोही है। अभी आप कौन हैं डिसाइड करने वाले हम देशद्रोही हैं? सैम साहब, हम लोग महात्मा बुद्ध के देश वाले लोग हैं जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, और एक देश है जो हथियार खरीदने, हथियार बेचने, खासतौर से हथियार बेचने में यकीन करता है। ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग किस प्लेटफॉर्म में अमेरिका में एक जगह आ सकते हैं? आपको कोई थोड़ा बहुत अनुमान है? सैम साहब, आप एक अमेरिका के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, अमेरिका के एक बहुत इंटेलेक्चुअल होने के नाते, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे? नहीं, सैम साहब, आपको मंदिर को लेके इतना पूर्वाग्रह क्यों? अब तो राहुल गांधी चुनाव में जाते हैं, अपना जनेऊ दिखाते हैं, माथे पे भभूत लगाते हैं, चुनाव के दौरान में साष्टांग वो लेटे हुए मंदिर में नजर आते हैं, कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली को वो जेब से निकाल निकाल के प्रवक्ता दिखाते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब तो भगवान का इस्तेमाल जितना भारतीय जनता पार्टी करती थी, अब तो कांग्रेस भी करने लगी है। तो आपकी जो वैज्ञानिक सोच वाली बात है वो तो है नहीं अब? देखिए इट इज अप टू इंडिविजुअल। हमारी पत्नी बहुत भक्त है, वो घर में छोटा सा टेंपल लगाया है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम बिल्कुल भक्त नहीं हैं, हम कभी जाते ही नहीं टेंपल, गए नहीं कभी, तो ठीक है वो उनका हक है, ये हमारा हक है, वो हमें रिस्पेक्ट करती हैं हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हमने भगवान आउटसोर्स कर दिया है हमारी वाइफ को, हमारी माता जी भी इतना अच्छा काम करती थी तो आउटसोर्स कर दिया है गॉड को। ये आपकी धारणा अच्छी है कि भगवान को भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। सैम साहब, एक बात और आई थी आज चर्चा में, हमारे कुछ डिबेट में, कि अमेरिका की पॉलिसी है वो जो शेडो प्राइम मिनिस्टर है, संभावित प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई ऐसा लीडर है तो अमेरिका के लीडर उसके संग भी वार्ता करते हैं। क्या राहुल गांधी में के जब विजिट थी अमेरिका की, क्या व्हाइट हाउस में कोई ऐसी वार्ता हुई थी? क्या व्हाइट हाउस ने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया था? अमेरिका की जो ताकतवर राजनीतिक ताकतें हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी? हमने बहुत लोगों से मुलाकात की थी वॉशिंगटन में, सम पब्लिक सम प्राइवेट। जो प्राइवेट मीटिंग्स थी हमें किसी को बताया नहीं उसके बारे में और बताएंगे भी नहीं क्योंकि इट वॉज प्राइवेट। पब्लिक मीटिंग्स जो थी, प्रेस क्लब, फिर थिंक टैंक,
डिनर्स, मीटिंग विथ एनजीओज, वो सब मीटिंगें लोगों को बताया गया उसके बारे में। लेकिन थोड़ी सी मीटिंग प्राइवेट थी जो हमने प्राइवेट ही रखी है अभी तक। वो उसकी सबकी निगाहें उस पे है कि वो प्राइवेट मीटिंग क्या थी, और ये लोग मानने कि सैम पित्रोदा जी ने एक ऐसा व्यू रचना तैयार किया है उस प्राइवेट मीटिंग में, जिससे कांग्रेस की प्लानिंग में, कांग्रेस के फ्यूचर में कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। ऐसा नहीं है। द मेन थिंग अबाउट प्राइवेट मीटिंग इज इट वाज ऑफ द रिकॉर्ड, इट वाज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अब किसी को आपने प्रॉमिस की है, ठीक बात, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट प्रॉमिस भैया। सहमत हूँ। सैम साहब, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने राहुल गांधी के पिताजी के साथ भी बहुत करीब काम किया। आप उनके, मैं कहूँगा, मित्र थे, बड़े थे, और राहुल गांधी, राजीव गांधी ने आपको काम करने की बहुत छूट दी, संचार क्रांति उस दौर में आई। तो सैम पित्रोदा साहब, आपने राजीव गांधी के साथ काम किया, राहुल गांधी के बहुत करीब हैं आप, पिता और पुत्र में, दोनों में किसकी कौन सी बात ज़्यादा अच्छी है? राजीव गांधी की कौन सी बात ज़्यादा अच्छी थी और राहुल गांधी की कौन सी बात ज्यादा अच्छी है? देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। आई एम डिफरेंट फ्रॉम माय ब्रदर्स, नो टू पीपल आर सेम। इवन इफ यू आर इन द सेम फैमिली, यू आर वेरी डिफरेंट, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फादर एंड सन वुड बी डिफरेंट इन मेनी वेज and would also be similar in many ways. So I do see in Rahul Gandhi's eyes unfinished agenda of Rajiv Gandhi. Desh ko aage le jana hai, democracy ko bachana hai, gareeb logon ka dhyan dena hai, stand up for the underprivileged, underdog. Ye jo cheeze राजीव में थी, वही चीजें राहुल में है, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। पंडित जी में थी, इंदिरा जी में थी, गांधी जी में थी इन अ सेंस, ओके। और गांधी इज मोर ऑफ ए रोल मॉडल फॉर राहुल देन अकॉर्डिंग टू मी इवन नेहरू पर्सनली, ओके। आई कुड बी रॉन्ग, बट आई बिलीव गांधी, महात्मा गांधी इज मोर ऑफ ए रोल मॉडल फॉर राहुल गांधी देन एनीबडी। डिफरेंस जो देखे, एक राहुल गांधी इज ए डीप थिंकर, मच मोर डीपर देन राजीव गांधी। राजीव गांधी वॉज मोर ऑफ ए डूअर, राहुल गांधी मे बी लेस ऑफ ए डूअर बिकॉज ही थिंक्स अ लॉट। व्हेन यू थिंक अ लॉट, you know a lot, sometimes you want more time to analyze. At times, ignorance is a great asset. Kam jante hain, we'll act. Jyada jante hain, you'll analyze some more. So, ye ek difference I see little bit. So, there are strengths and there are weaknesses that all of us have. We are all human being at the end. But, love, affection, clarity, concern for minority, inclusion, diversity, democracy, those are shared values. Those are fundamental values. Methods may change, but the values don't change. सैम पित्रोदा साहब, आपको उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू वो फिर शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? बात हुई थी, लेकिन समय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बीच में इलेक्शंस भी आते हैं सब, और यू नो, जो एक दूसरी यात्रा शुरू करे, समझो कि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कि ईस्ट टू वेस्ट एक यात्रा करे और वेस्ट टू ईस्ट यात्रा करे, तो टाइम लगेगा। अब टाइम कम है, इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन हमने सोचा है हम फिर प्रदेश जाएंगे, हमें जाना है नेक्स्ट, होपफुली यूरोप में जाएंगे, यू नो, फिर जाएंगे। आप जाएंगे,
आप जाएंगे या राहुल गांधी भी रहेंगे उनमें? दोनों जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, फिर आप जाएंगे। सैम साहब, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में एक बात बहुत ज्यादा लोगों को हैरान कर रही थी, आप वैज्ञानिक सोच के आदमी हैं, साइंटिस्ट सोच वाले आदमी हैं, लोग हैरान थे कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। ये बड़ा बेतुका सा सवाल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उस यात्रा की जो सबसे ज्यादा चर्चा की बात थी वो यही थी। और उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने डॉक्टरों की एक टीम बनाई है ये रिसर्च करने के लिए कि कड़कड़ाती ठंड में इस शख्स को ठंड क्यों नहीं लग रही। तो कभी कभी ये राज क्या है, मतलब ये नॉर्मल है, हमारा मानव स्वभाव शरीर है, सबको लगता है, ये क्या राज था, कभी राहुल गांधी ने बताया आपको? हाँ बताया, बहुत लंबी चर्चा हुई थी उसके बारे में, क्योंकि हम साथ थे 6 दिन तक, तो कुछ ना कुछ तो कॉन्वर्सेशन चलता ही रहता होता है। तो मुझे जब तक याद है तब तक उन्होंने बताया था कि वो मिले छोटे बच्चों से। अब ये बच्चों के पास कपड़े थे नहीं, गरीब थे और ठंड में वैसे ही घूम रहे थे, न तो उनके पास स्वेटर था, न तो उनके पास ब्लैंकेट था। सो राहुल ने सोचा कि ये इतने छोटे छोटे बच्चे आउट ऑफ नेसेसिटी दे कैन स्टैंड कोल्ड, व्हाई कांट आई ट्राई। सो हिज माइंड देन गॉट ट्यून्ड इनटू दिस, दैट एवरी टाइम ही फेल्ट लिटिल कोल्ड ही थॉट ऑफ दोज किड्स, कि ये बेचारे ठंडी में रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता। एंड दैट गेव हिम इनर स्ट्रेंथ। ओके, एंड फाइनली इन कश्मीर इफ ही कुडंट स्टैंड इट सो ही पुट ऑन अ जैकेट, इट्स ओके, इट वॉज नॉट अबाउट विक्ट्री और लॉस, यू नो। ठीक बात। सैम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, भारत में अगर कोई बच्चा 25, 26, 27 साल का हो जाता है तो बच्चे के अड़ोसी पड़ोसी उसके पिता के दोस्त से कहते हैं कि अगर पिता नहीं है तो पिता के दोस्त से कहते हैं तुम बात क्यों नहीं करती, शादी नहीं कर रहा। आप उनके पिता के दोस्त हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी शादी करेंगे? यह बहुत व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन चूंकि आप उनके बहुत करीब हैं, आप हर विषय पर उनसे बात करते हैं, राहुल के लिए एक सामान्य जैसा लोग सवाल करते हैं कि क्या राहुल अपना परिवार बसाएंगे? देखिए, परिवार तो सबको बसाने का मन होता है, वो भी जवान आदमी हैं, हैंडसम हैं, केपेबल हैं, हेल्दी हैं, फेमस हैं, लेकिन जोड़ी बननी वो सीधी बात नहीं है, क्योंकि जो भी उनके साथ पार्टनर होंगे there has to be a match, match of mind, match of heart, match of ideas. उसके लिए ज्ञान चाहिए, आदर्श चाहिए, sacrifice चाहिए। बहुत लोगों को sacrifice करना अच्छा नहीं लगता। हमारी उनसे बहुत सारी बातें हुई है जो प्राइवेट है, पर्सनल है, लेकिन वो जानते हैं। मुझे याद है कि बहुत साल पहले उन्होंने बताया था कि उनकी एक दोस्त थी, तो दे वर गुड फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने देखा कि वो उतना खर्चा करती है फालतू चीजों में कि उन्होंने सोचा कि ये कैसे लोग हैं कि छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि वो बड़े सीधे साधे आदमी हैं, तो उनसे जब भी बुलाचाली हुई वो इसी के बारे में हुई। एक छोटा सा एग्जांपल है ये। ओके, सो द पार्टनर हैज टू अंडरस्टैंड सिंप्लिसिटी, अंडरस्टैंड लव फॉर पीपल। ये इतनी सीधी बात नहीं है, हम भी जानते हैं, हमने भी शादी की है, हम भी जानते हैं कितना कठिन होता है घर में। ओके, हम कहेंगे हमें कांग्रेस के लिए करना है, वाइफ बोलते क्यों समय बर्बाद करते हो, ठीक है ना,
अब हम तो निकल जाते हैं उसमें से, उनको निकलना बहुत तकलीफ होगी क्योंकि पूरा देश उनको देख रहा है, हमको तो कौन देख रहा है, कोई नहीं। अब उनके पर तो 3 बिलियन आंखें लगी पड़ी है, ठीक बात है। तो ये सीधी बात नहीं है, वो भी जानते हैं। ये तो आपने बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि राहुल जी को अपनी उस महिला दोस्त से यही आपत्ति थी, वो खर्चा ज्यादा करती है। राहुल गांधी कंजूस हैं क्या? नहीं, कंजूस नहीं है, सादे हैं। कंजूस और सादाई में बहुत फर्क है, समझे? सादाई क्या चीज है कि भी ठीक है, ओके, जो कार है वो है आपको, बिनो लंबरगिनी नहीं चाहिए, वो सादाई है। कार की तो बात छोड़िए, कपड़े पहनते हैं आप, ओके, जूते पहनते हैं आप, $1,000 के भी जूते पहन सकते हैं और $50 के भी पहन सकते हैं और $100 के भी पहन सकते हैं। ये एक माइंडसेट है, हमारा भी माइंडसेट ऐसा है। हम आपको दिखाएं, बताएं कि एक दफा हम गए थे कैलिफोर्निया, तो हमारी डॉक्टर ने देखा कि हमारे जूते पुराने हैं। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कभी जूते पुराने हैं, क्योंकि मैं तो कुछ खरीदता ही नहीं कभी, हमारी वाइफ खरीदती है। हमारे सॉक्स में होल हो गया तो हम तो पहनते हैं वैसे ही, तो हमारी वाइफ कहती है भाई ये सॉक फेंक दो, तो वो फेंक देती है। हमारी लड़की ने देखा कि ये डैडी के पास जूते अच्छे नहीं है, तो वो हमें ले गई, $400 के दो पैर जूते ले दिए। हमने बहुत किया कि बच्चा ये अच्छी बात नहीं है, हमें नहीं चाहिए $400 के जूते, हम तो $50 के जूते पहनते हैं। वो मानी नहीं, तो मैं ले आया हिम्मत करके एक जूता पहना, दूसरा अभी 6 साल से पड़ा है नया, ओके। इसमें कंजूसी का सवाल नहीं है, इसमें टेस्ट का सवाल है कि आप किस में मानते हैं। क्या राजीव गांधी भी ऐसे ही थे? राजीव गांधी भी बड़े सिंपल आदमी थे, बड़े सिंपल आदमी थे। वो अपने खुद बत हम एक दफा आपको बताया, हम एक दफा गए उनके घर, तो वो रूम में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो पहुंच गया अंदर रूम में, तो बोले कहाँ है ये? प्राइम मिनिस्टर थे, तो वे कुर्सी पे खड़े होके बल्ब बदल रहे थे प्रधानमंत्री होने के बाद। जी, ओके। तो मैंने ऊपर देखा, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये बल्ब फ्लिकर हो रहा है, ओके। तो बोला बदल दूं, तो बोले स्क्रू ड्राइवर लाओ। तो मैंने दिया उनको, हाथ में पकड़ा नीचे से, वो तो कर दिए फिट। अब ही कूड़े कॉल्ड एनी बड़ी, ये सिंपलिसिटी की बात है। ये फ्लिकर हो रहा है क्या, उनको बुलाओ, 3 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, वो बेचारा परेशान होगा। अब 1 मिनट का काम है, वो शाम आ रहा है अंदर, उसकी थोड़ी देर में ऊपर जाके बल्ब बदल दिया। ये सिंपलिसिटी है। आप गांधी जी की भी जिंदगी देखिए, इट वॉज वेरी सिंपल। आई थिंक सिंपलिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अब मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं कि हर दिन मेरा, एवरी डे 365 डेज, आई स्टार्ट बाय स्वीपिंग फ्लोर। घर में वो पानी पोता मैं करता हूं अभी भी, ओके, इट गिव्स मी प्लेजर। मैं अपनी खुद की बेड बनाता हूं, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो बेड तो बनती है अपनी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को बुलाना चाहिए बेड बनाने के लिए। मैं घर में नौकर नहीं रखता कभी, कभी नहीं, सब काम खुद करते हैं, सब काम खुद, चाय बनाना सब खुद, क्योंकि वो इंसल्टिंग है किसी के लिए, कि हमारी दृष्टि से यू आर इंसल्टिंग दैट पर्सन। कि मैं बैठा हूं, बोले चाय बनाओ, अरे भाई आप खड़े होकर चाय बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ओके। ये विचार सैम साहब, आप तब भी ऐसे थे जब आप प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, देश के सबसे ताकतवर लोगों में से आप एक थे। उस समय में मुझे याद आ रहा है कि ये माना जाता था कि आप प्रधानमंत्री के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा सलाह देने वाले इंसान थे। आप तब भी ऐसे नौकर वगैरह घर में नहीं हुआ करते थे? नहीं, हमारे ड्राइवर थे सरकार में, मुगली राम थे एक। अच्छा, नाम याद है आपको आज तक? बिल्कुल, क्यों नहीं, सब देवर लाइक माई फैमिली भाई। वाह, अभी भी एक ड्राइवर है मदन,
वो कैबिनेट सेक्रेटरी में ड्राइवर है, कैबिनेट सेक्रेटरी का था। मदन वॉज लाइक माई फैमिली। हम जब वाह भी बाहर गए तो मैं एक दफा मथुरा जा रहे थे, तो रास्ते में चाय के लिए बैठे तो मदन नहीं आया। मदन बाहर रहा, मैंने बुलाया उसे, मदन को, भाई आप अंदर है? बोले साहब मैं तो आऊंगा लेकिन वहां पे बैठ कर चाय पीऊंगा। मैं बोला क्यों? यू आर गोना हैव टी विथ मी, विथ माई फैमिली, यू कांट हैव टी ऑन सेपरेट टेबल। अब हमारी जान आपके हाथ में है जब ड्राइव कर रहे हो, और मैं आपको खाते वक्त अलग कर दूं? ये तो बड़ा स्ट्रेंज है भैया, ये नहीं बन सकता हमसे। यू हैव टू ईट विथ मी बिकॉज यू आर विथ मी ऑन द ट्रैवल। मुगली राम थे तो मुगली राम दरवाजा बहुत खोलते थे, सीधी कार खड़ी रही तो दौड़ के इस तरफ आ जाएंगे। तो मैंने एक दफा बताया मुगली राम को, 2 दिन 2 3 दिन के बाद मैंने बोला, मुगली राम आप हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, जब हमारे हाथ टूट जाए तब आप खोल सकते हैं। तो मुगली राम बेचारे रो पड़े, बोले साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? यू नो आई टेल यू द लव एंड अफेक्शन दैट आई हैव हैड फ्रॉम पीपल वॉज अनबिलीवेबल। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दू, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हमारा क्वाड्रुपल बाईपास हो रहा था इंडिया में, एस्कॉट हॉस्पिटल में। वो दिवाली का समय था तो हमारे पास उस वक्त 3 ड्राइवर थे, सी डॉट के एक थे, एक थे टेक्नोलॉजी मिशन के और एक थे टेलीकॉम कमीशन के। मुगली राम वॉज टेलीकॉम कमीशन, टेक्नोलॉजी मिशन वॉज मदन, एंड ओम प्रकाश वॉज सी डॉट। तो घर पे तीनों दिवाली के दिन रहते थे। तो हमारी माता जी ने कहा कि भाई ये 3 लोग ड्राइवर को घर जाने दो, मैं तो हॉस्पिटल में था। तो हमारी वाइफ ने बताया ड्राइवर को, आप लोग घर जाइए, दिवाली का समय है। तो नहीं गए वो, तो फिर मैंने माता जी को बताया कि आप बोलिए उन्हें, आप बोलेंगे तो वो जाएंगे घर। तो माता जी ने बताया कि भाई आप लोग घर जाइए क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, बीबी हैं, दिवाली का समय है। बोले नहीं माता जी, हम आपके साथ रहेंगे क्योंकि हमारे साहब हॉस्पिटल में सर्जरी में से बाहर आए अभी। तो भी माता जी ने बहुत कहा तो चले गए घर। 1 घंटे के बाद वापिस आ गए। बोले क्यों वापिस आए? बोले हमारी वाइफ ने हमें निकाल दिया घर से कि बोले साहब आपका हॉस्पिटल में, आप दिवाली मना रहे हो। बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये जो प्रेम है वो खाली इंडिया में ही मिलता है, बिल्कुल ठीक है, भारत के अंदर ही है, बिल्कुल दूसरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ठीक है। ये किसी को समझाए आप वो समझ में भी नहीं आएगा लोगों को। हाँ नहीं आएगा सच में, पूरी दुनिया में समझ में नहीं आएगा, तो मैं मानता हूँ। और अच्छा इतने सेम प्रेम से, आई टेल यू इतने प्रेम से हमारे साथ रहते थे। आई वुड डू एनीथिंग फॉर देम, दे वर नॉट माई ड्राइवर्स, दे वर माई प्रोटेक्टर्स। ओके, टोटल लव एंड अफेक्शन, अनकंडीशनल, उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे। ठीक बात है। अच्छा सेम साहब, आपके और राजीव गांधी के जो रिश्ते थे वो एक दोस्त की तरह थे, एक बड़े भाई की तरह थे, एक गार्जियन की तरह थे। राजीव गांधी आपसे व्यक्तिगत बातें करते थे, सलाह लेते थे, कैसे रिश्ते थे आपके राजीव गांधी के? देखिए रिश्ते धीरे धीरे बनते गए। आई हैड नेवर मेट हिम बिफोर, आई मेट हिम द डे आई वेंट टू गिव प्रेजेंटेशन टू मिसेज इंदिरा गांधी। ही वॉज यंग, हैंडसम, बबली, फुल ऑफ आइडियाज एंड वी क्लिक्ड। समटाइम्स यू क्लिक विथ पीपल, समटाइम्स यू डोंट क्लिक, इट्स एन एक्सीडेंट ऑफ फेथ। एंड ही फेल्ट दैट आई कुड डू समथिंग सेल्फलेसली एंड आई फेल्ट दैट ही कुड हेल्प मी। एज वी गॉट मोर एंड मोर इन टू दिस आई रियलाइज दैट ही गेव मीनिंग टू माई लाइफ। सी माई लाइफ वॉज मीनिंगलेस, कि इंजीनियर हो गए, धंधा किया, पैसा बनाए, ठीक है, मजा किया। आई हैड नो मीनिंग ऑफ माई लाइफ एक्सेप्ट मेकिंग मनी, मेकिंग एवरीबडी हैप्पी। राजीव गांधी गेव ट्रू मीनिंग टू माई लाइफ दैट आई कुड मेक ए बिगर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बी हैप्पी विथ इट।
दिस इज माई चांस टू सेक्रीफाइस. सो आई वर्क इन इंडिया विदाउट एनी सैलरी 10 years with Rajiv Gandhi and 10 years with Manmohan Singh. I never took any salary. Okay. एक भी सैलरी, एक रुपए भी नहीं दिया आपने? अभी भी नहीं. Not only salary, no expense. वो TADA भी ये कुछ नहीं दिया कभी. आपका खर्चा कैसे चलता था? हमारे पास पैसे थे, यहाँ कमाए थे. अच्छा, अमेरिका के पैसे खर्च करे हुए पैसे आपने भारत में? बिल्कुल बिल्कुल. Okay. एकदम. सिटीजनशिप भी बदला दी. अमेरिकन सिटीजनशिप थी वो इंडिया कर दी राजीव गांधी के टाइम में. हाँ बिल्कुल, इंडियन सिटीजन हो गए. अच्छा, ओके. लोग एक किस्सा बताते हैं, सैमसंग में बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि एक बार राजीव गांधी आए थे और उन्होंने एक बड़ा सा एक डिब्बा टाइप का दिखाया था कि देखो ये एक डिब्बा है, इससे कान पे लगाओगे दूर जगह बात हो जाएगी. ये तब की बात है जब आप मोबाइल पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, भारत में मोबाइल आया नहीं था, आप उसकी प्लानिंग कर रहे थे. वो किस्सा क्या था, आपको याद है क्या वो किस्सा? देखिए, सबको पता था कि मोबाइल फोन आएगा, कब आएगा, कैसे शेप में आएगा, वो किसी को नहीं पता था. सो पहले सब मोबाइल फोन वेर मोर लाइक ए ब्रिक, ईंट की जितना बड़ा था, हैवी. हमने सोचा तब कि वी हैव टू वेट, क्योंकि उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव था, एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, बट वी हैव टू एक्सपेरिमेंट. So we had to learn. So we had experts in telecom department. And Motorola then was pushing for analog systems. We did not want to buy analog systems. So we had a lot of friction. बहुत लोग कहते थे कि आप तो इसको डिले कर रहे हैं. तो जब तक GSM स्टैंडर्ड नहीं आया, तब तक हमने मोबाइल फोन को डिले किया by design. बातें की, एक्सपेरिमेंट किया, ये किया, वो किया, लेकिन इंस्टॉल नहीं किया. बहुत लाइसेंस इश्यू नहीं किया. लाइसेंस जब इश्यू किया तब GSM बिकेम स्टैंडर्ड. ओके, सो दैट वाज द प्राइस टू बी पेड बाय इंडिया. देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एट वन टाइम, ओके, दैट वी आर ब्लॉकिंग मोबाइल फोन, वी आर नॉट बीइंग वेरी सेंसिटिव. इट्स ओके, बट वी न्यू व्हाट वी वर डूइंग. सो राजीव had gone, also gone to Ericsson for a visit, and he made a call from there on mobile phone, which was also publicized. So we knew that mobile phone is coming, will be useful, but we had to wait. So aise to bahut sare examples hain. Acha, Sonia Gandhi ke aur aapke rishte kaise the? Matlab Rajiv Gandhi ke death ke baad Sonia Gandhi ji aapke sampark mein thi, baatcheet karti rehti thi lagatar, kyunki wo ek akeli aisi mahila hai jo ideal hai, जिन्होंने पति की मौत के बाद त्याग किया इंडिया में. वो चाहती तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती, लेकिन वो पति से अलग हो जाती हैं. तो आप क्यों उनके बीच में हैं? शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. शी इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्संस पर्सनली. आई नो हर वेल. द सैक्रिफाइस शी हैज मेड इज अनथिंकेबल. आई रिमेंबर माय वाइफ एंड आई वेर सिटिंग with her, in the middle was Rajiv's body, dead body. She's on the other side, my wife and I sitting on this side. And we sat there for quite some time. And what a courage that woman had. What a love for her husband, for her husband's country, for India. People don't understand this. They criticize her for this and that. Okay. She is gem of a human being. Okay. Full of love, affection, understanding, sober. Okay. I remember once I had taken my daughter and my daughter-in-law and my wife and my son to her, which I normally don't do. You know, but they had all come from America, so I thought it'd be good for them to meet Sonia Gandhi. And I tell you, my daughter and my daughter-in-law, when they got out of the meeting, they said, what a woman. Okay, that was the first impression. Log nahi samajhte hain na. Logo galia dene mein lag jate hain. Theek baat. Us
एक बात होती है, अब मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा होगा जैसे सोनिया गांधी अपना दर्द बयान कर सकती होंगी, और भारतीय माँ का बड़ा मन होता है कि उसके घर में बहू आए। कभी सोनिया गांधी ने आपसे कहा कि राहुल की शादी की बात करो इसलिए शादी नहीं करता, जैसे आमतौर पर हिंदुस्तानी महिलाएं कहती हैं कि भाई बड़ा है कोई इंसान वो राहुल को समझा सकता है, कभी कहा उन्होंने आपसे? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है, बट यू नो शी लव्स हर सन लाइक एवरी अदर मदर वुड, यू नो शी इज कंसर्न लाइक एनी मदर वुड बी, शी इज अ नॉर्मल मदर, ओके, शी हैज ऑल द राइट टू वरी अबाउट हर सन, शी हैज ऑल द राइट टू वरी अबाउट हर डॉटर, ओके, शी इज जस्ट वेरी नॉर्मल पर्सन। राहुल और प्रियंका गांधी में राजनीति में कौन ज्यादा परफेक्ट है? I may not be the person to answer that, but I would say, like I told you earlier, every person is different. In my own family, brothers and sisters are different. Okay. So they basically complement each other. Okay. And invariably opposite attract. Okay. So when you have complementarity, you tend to work together well. So they have a great team between two of them and they complement each other. ठीक बात है, लगता भी ऐसा है। सैम साहब, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो तो पार्टी को और उनको डिसाइड करना है, समझे, इट इज बिटवीन पार्टी एंड राहुल गांधी, दे हैव टू डिसाइड व्हेन द राइट टाइम कम्स। बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने इतना समय दिया और आज आपने कई अनछुए पहलू पे बात करी। हम आपको बार फिर परेशान करेंगे मोदी जी के दौरे खत्म होने के बाद, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ और क्यों था ये दौरा। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। यू सी माई जॉब इज टू टेल यू द ट्रूथ एज आई अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट राइट ऑल द टाइम, ठीक, आई कुड बी रॉन्ग, I could make a mistake, but that should not stop me from searching for the truth. बिल्कुल 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 ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और आप ऐसे ही अच्छे हैं, इसीलिए लोग आपको बहुत अभी भी पसंद करते हैं। Many thank you भैया for the opportunity. Thank you. तो सुना आपने, ये थे सैम पित्रोदा साहब, और राहुल गांधी की जिंदगी और सोनिया गांधी की मन स्थिति को लेकर इन्होंने ये बातें की। तो मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस प्यार के लिए शुक्रिया। कुछ राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4PM UP, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये राज्यों के चैनल हैं, राज्यों की खबरें चाहिए तो आप इन्हें सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।